पानीपत में कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब दूसरे चरण के तहत कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि पानीपत के सिविल अस्पताल में जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह समेत एसपी शशांक कुमार सावन ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं सिविल अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। इससे पहले सिविल अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है। डीसी और एसपी ने आम जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा है कि वैक्सीन पूर्ण तौर पर सुरक्षित है। आपको बता दें कि पानीपत को कोरोना वैक्सीन की और डोज मिली है। इन डोज से दूसरे चरण में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हेल्थ वर्कर्स को दूसरा टीका लगाया जाएगा। अभी तक पानीपत वैक्सीनेशन के पहले चरण में 41% टारगेट अचीव कर चुका है। बता दें कि पानीपत को पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड की 6,660 डोज मिली थी। अब पानीपत को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप मिली है। दूसरी खेप में भी कोविशील्ड की ही वैक्सीन है। इस बार पानीपत को 6,000 डोज प्राप्त हुई है। डॉक्टर संतलाल वर्मा और वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष पाशी का कहना है कि दूसरे चरण में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके बाद हेल्थ वर्कर्स को भी दूसरा टीका लगना है। बता दें चले कि पानीपत में कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब दूसरे चरण के तहत कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। पानीपत के सिविल अस्पताल में जिला उपायुक्त समेत पुलिस अधीक्षक ने वैक्सीन लगवाई है। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा वैक्सीनेशन डे डिसाइड किया गया है तो पूरे स्टेट में 50,000 का टारगेट रखा गया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1600 का टारगेट है। और हम सुबह से ही लगे हुए हैं। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, पंचायत डिपार्टमेंट के हैं सभी, और WCD डिपार्टमेंट है। तो सभी को इनक्रेज किया गया आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करें। यहाँ 12 सेंटर स्थापित किए गए हैं आज के दिन, और जो भी रजिस्टर्ड है फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में वो किसी भी सेंटर में जाके उनके लिए सुविधा अपने सुविधा और समय के हिसाब से कहीं भी जाके अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। थैंक यू सर। आपके सामने खड़ा हूँ, अभी लगवा के आया हूँ, फिट एंड फाइन। 8 फरवरी को सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें विशेषकर पुलिस विभाग को टारगेट इसमें किया गया है कि पुलिस विभाग आज 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। इस विषय में आज सुबह सभी DSPs ने, हमारे SP साहब ने, DC ने, सभी ने वैक्सीनेट करवाया है और हमारी सारी पुलिस आज, हमारा टारगेट है कि जितनी भी पुलिस हमारे यहाँ कुल 1800 की स्ट्रेंथ पोस्टेड है, उसमें से कुछ लोग बाहर होंगे जैसे टेम्परेरी ड्यूटी वगैरह पर, 1000+ का टारगेट हमने आज रखा कि 1000 से 1200 तक हम आज पुलिस कर्मियों को वैक्सीनेट यहाँ पर करवाएंगे। और इसका जैसे हमने पढ़ा है, जैसे सुना है और जो लर्न डॉक्टर्स हैं उनसे सुना है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हमने लगवा लिया है, बिल्कुल सही है और सभी को इसके लिए मोटिवेट होना चाहिए। जब DC SP ने लगवाया है तो मैं समझता हूँ कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है, वो अवश्य ही मोटिवेट इससे होगा और वो आगे बढ़ के ये वैक्सीनेट आज करवाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।